हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज का इस सेशन में हम जो सीखेंगे वह सॉल्व 1x + 1y = 1/5। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब x और y का पर्टिकुलर कौन सा वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ये हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको मैथ्स ओलंपियड में आता है, और ये पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम आपका इंडियन मैथ ओलंपियड का जो क्वेश्चन है उसमें भी आया था, या इस टाइप का ही प्रॉब्लम तुर्की मैथ ओलंपियड में भी बहुत टाइम आया था, बहुत बार आया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते देखिए। तो फर्स्ट हम एलसीएम क्या होगा इसका, एक्स वाई, और ऊपर में क्या होगा, एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 1/5। नाउ इफ आई डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन 5 इसका सब मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 5x + 5y दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। तो अब अगर इस साइड में सब ले इक्वेशन को लेते हो, तो एक्स वाई माइनस 5x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू 0। अब हम बोथ साइड में प्लस 25 करते रहे, तो इससे क्या फायदा होगा, एक्स वाई माइनस 5x माइनस 5y प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्या फायदा होगा, आपको यहाँ से फैक्टर मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आप x ले रहे हो तो y माइनस 5, और यहाँ से माइनस 5 को कॉमन ले रहे हो तो y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 25। तो आपका जो फैक्टर से वो क्या बनेगा, x माइनस 5 एंड y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 25। ओके, तो दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है, दो फैक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है वो 25 बन रहा है। मतलब अगर हम इसको पॉजिटिव नंबर कंसिडर करते हैं, x और y बोथ आर पॉजिटिव अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, तो देखिए x माइनस 5 और y माइनस 5 यहाँ से क्या क्या बनेगा। अब इसको क्या समझ सकते हैं, 1 × 25 और क्या बन सकता है, 5 × 5 दैट इज 25। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, -25 × -1 = -25 So, अगर आप ये तीन पॉसिबल केस को अगर आप कंसिडर करते हो, तो x का वैल्यू क्या होगा, प्लस 5 इससे ऐड हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 1 + 5 = 6, -5 + 5 = 10, -25 + 5 = 20, क्लियर। और y का वैल्यू क्या आएगा, -20, और y का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 25 + 5 = 30, 5 + 5 = 10, -5 + 5 - 5 + 1 = -4, clear? -4, okay? Hope it's clear to all of you, okay? Now, इसके बाद हम क्या करेंगे? तो इसके बाद अगर हम, तो हम लोगों का जो solution होगा, वो क्या होगा? Solutions जो होगा, 6 और 30 एक solution बन रहा है यहाँ से, और यहाँ से एक solution बन रहा है, 10 और 10 एक solution बन रहा है, जहाँ पे x 6 है, y 30 है, यहाँ पे x 10 है, y 10 है, और एक सोल्यूशन क्या बन रहा है यहाँ से, देखिए एक सोल्यूशन क्या बन रहा है यहाँ से, यहाँ पे एक सोल्यूशन -20 - 20 और 4, यस ये प्लस 4 होगा, बिकॉज वाई माइनस 5 = -1, तो वाई इक्वल टू +5 - 1 = 4, सो 20 - 4, तो ये है हमारा सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को आप इस इक्वेशन में चेक करके देखिए कि 1/6 + 1/30, आप देखोगे कि 1/5 बन रहा है। तो दिज आर द सोल्यूशन सेट, मतलब ये इक्वेशंस, यहाँ पे x का वैल्यू y है, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 30 है, इसमें इस सॉल्यूशन में x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 10 है, इसमें x का वैल्यू 20 है, y का वैल्यू 4 है। तो अगर आप इस ये सब अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर देते हो, तो आपका 1/5 मिलेगा, मतलब ये होगा आपका सॉल्यूशन सेट। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्व सेट निकाल लिए, ठीक है। तो ये था मैथ ओलंपियड, इंडियन मैथ ओलंपियड का प्रॉब्लम। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपको चाहिए, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।